कार्यों को पहुंचाने की कई बार कार्यकर्ताओं को मन लगाकर काम करने की नसीहत। राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया संकल्प। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता ने सुल्तानपुर अनुभव की बड़ी लापरवाही के सामने सालों से सूखा पड़ा पेड़ रास्ते में गिरा, चार लोग हुए घायल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की जन आशीर्वाद यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। इस मौके पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत के लिए बस्ती सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, स्थानीय सांसद जगदविंगा पाल भी मौजूद रहे। जोरदार स्वागत के बाद करीब 5 किलोमीटर का लंबा काफिला डुमरियागंज पहुंचा। यहां बजरंगी चौक पर बने मन से केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, उनकी परेशानियों को समझाने का निर्देश दिया है ताकि सबकी समस्याओं का हल हो सके। जन आशीर्वाद का मकसद केवल एक है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के राजनीतिक कल्चर को बदलना चाहते हैं। मंत्री का मतलब नहीं कि केवल दिल्ली में रहे, मंत्री का मतलब है कि जनता के आकर बीच में उनके आशीर्वाद लें और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करें और जो जनता का दुख दर्द है उसको बांटने का प्रयास करें। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे जिन्होंने बड़ा ही जोरदार स्वागत किया। पंकज चौधरी के स्वागत के लिए बस्ती सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह, शिक्षा मंत्री आदि मौजूद रहे। जोरदार स्वागत के बाद करीब 5 किलोमीटर का लंबा काफिला डुमरियागंज पहुंचा। यहाँ बजरंगी चौक पर बने मन से केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मौजूद लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद मंत्री के कल्चर को बदलना है। मोदी जी ने इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उनकी परेशानियों को समझने का निर्देश दिया है ताकि सबकी समस्याओं का समाधान हो सके। सिद्धार्थनगर पहुंची है, वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं के साथ में लगे हुए हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और आपको ये बता दें कि यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को जमीन पर उतारा है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए कोशिश करेगी। अब हम चाहेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की पूरा प्रयास कर।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सोमवार शाम को जन आशीर्वाद यात्रा की कड़ी में मंत्री जी ने मिश्रारण्य पहुंचे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और सरकार के किए गए कामों का जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कराए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी किसी जाति धर्म आदि विशेष को लेकर नहीं बल्कि समाज के सभी जाति धर्मों की पार्टी है। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर विधायक रामकृष्ण भार्गव, बीजेपी जिला अध्यक्ष और आदि भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में मंत्री जिने मिश्रारण्य पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और सरकार के किए गए कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता के बीच अपने कामों का सरकार प्रचार प्रसार लगातार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बताया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कराए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी किसी जाति धर्म आदि विशेष को लेकर नहीं बल्कि समाज के सभी जाति धर्मों की पार्टी है। उन्होंने ये भी बताया कि 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। जगह जगह मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच सरकार के किए गए कामों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने का भी काम किया जा रहा है। फिरोजाबाद में लगातार चोरी डकैती की खबरें सामने आ रही हैं। ये ताजा मामला फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है जहां रात में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर महिला को रस्सी से बांधकर बुरी तरह से पीटा भी गया। चोरों ने घर से लाखों के जेवरात और 50,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंगेला इनके ये अदपा द्वारो तमर कूद हो आदमी फिर जब बहू सो रही तो बहू बाला कमरा खोल लिया है और तब वहां में तंदन तो चोरी करिए ता में 5 अंगूठी जनानी है 2 मर्दानी है 250 ग्राम की तोड़िया है फ्रिज वाला है और कोई छोटी मोटी चीज वही कन्यादाने फन्यादाने की बगची है। मंगल सूत्र 50,000 रुपया कल लगा के लाए ना कल लेंटर खुल ले होता तो। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। फिरोजाबाद में लगातार चोरी डकैती की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है जहां आपको बता दें कि रात में घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और जब महिला ने इसका विरोध किया तो महिला को रस्सी से बांध दिया गया और इतना ही नहीं उसे बुरी तरह से पीटा भी गया। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। 22 के बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। 22 के बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते चलें कि सालों से जज्जर और सूखा पेड़ आज लखनऊ बलिया हाईवे पर गिर पड़ा। इस दौरान रास्ते से गुजर रही बोलेरो, ई रिक्शा समेत चार गाड़ियां चपेट में आ गई, जिसके चलते इन गाड़ियों पर सवार चार लोग घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों को मदद से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पेड़ गिरने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सालों से जज्जर और सूखा पेड़ आज लखनऊ बलिया हाईवे पर गिर पड़ा। इसकी वजह से वहां पर मार्ग भी बाधित हो गया और रास्ते से गुजर रही बोलेरो, ई रिक्शा समेत
चार गाड़ियां इस पेड़ के गिरने से चपेट में आ गई। इसके चलते इन गाड़ियों में सवार चार लोग घायल भी हो गए। वही स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आपको पेड़ गिरने के बाद दोनों ही तरफ लंबा जाम भी लग गया, इसकी वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गजरोला के धनोरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चले कि तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों में इस हादसे को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी उसके पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा, दो कारतूस बरामद किए हैं और दोनों घायलों को इलाज के लिए हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना हसनपुर इलाके का बताया जा रहा है। अमरोहा में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा, दो कारतूस जब्त किया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ की भी जुटी हुई है। ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना हसनपुर इलाके के गांव सियाली जागीर के जंगलों का बताया जा रहा है। प्यार में इंकार और इकरार की बातें तो तमाम सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा प्यार जो पहले परवान चढ़ा फिर इंकार की दहलीज पर खड़ा दिखा। प्यार में इंकार इस हद तक असर कर सकता था कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसकी शिकायत थाने में कर दी। पुलिस भी शिकायत से हैरत में थी। पुलिस ने प्रेमी युवक को थाने बुलाकर फटकार लगाई और प्रेमिका को धोखे में रखने की बात कहकर उसे समझाया भी। जैसे तैसे प्रेमी ने इंकार के साथ एक बार फिर से इकरार कर दिया और इस इकरार के बाद पुलिस ने थाने में बने मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। इसमें ये आरती और शिवम दोनों ही ग्राम दिलवल पड़ता है थाना मंगलपुर क्षेत्र में, लगभग कानपुर देहात है, यहाँ के रहने वाले हैं। और इन दोनों में जो है आपसी दो ढाई साल से प्रेम संबंध थे। लड़का पक्ष जो है वो शादी करने से थोड़ा हिला वाली कर रहा था, उसी संबंध में जो है कुछ इससे पहले पंचायत भी हुई थी गांव में, चाहे दौरा बाद में उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसी संबंध में लड़की ने जो है वो मुकदमा लिखाया थाना मंगलपुर में। ऐसे खड़े रहना है एक मिनट के लिए। ऐसी आपने तमाम बातें तो सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर पहले तो प्रेमी ने शादी करने से मना कर दिया, उसके बाद प्रेमिका ने थाने में गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी युवक को थाने बुलाया, उसे फटकार लगाई और प्रेमिका को धोखे में रखने की बात कहकर समझाया भी। फिर उसके बाद जैसे तैसे प्रेमी ने इनकार के साथ एक बार फिर से इकरार कर दिया और इस इकरार के बाद पुलिस ने थाने में बने मंदिर में ही प्रेमी जोड़े की शादी करा दी। कानपुर देहात से एक मामला सामने आ रहा है। बताते चले कि अवैध असलहे के दम पर लगातार जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। 10 से 12 लोग मिलकर कब्जे की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मामला ये हो गया सर की खेती जिसने बेची थी वो कब्जा कर रहा था जबरदस्ती, और जब देखने गए खेत को अपना लेके 10-5 आदमी
से 10 आदमी के समथिंग थे, तो हम वहाँ गए तो हमको वो एक बाबा था जिसने जमीन बेची थी, तो वो कहना हमको धमकी देके, और पहले तो उसने कहना हमको चिमीटा लिए था, चिमीटा से उसने पहले बार करने की सोची, बाद में असलाह भी निकले उसके साथ। तो कानपुर देहात से मामला सामने आया है, जहां पर अवैध असलहे के दम पर लगातार जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। 10 से 12 लोग मिलकर कब्जे की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो तमंचे पर कब्जे की घटना का अब ग्रामीणों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो तमंचे पर कब्जे की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 10 से 12 लोग मिलकर कब्जे की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।